हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन के बारे में। केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑर्गेनन का ये पढ़ के ही जाना है। इसमें क्या है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। द टॉपिक केंट 12 ऑब्जर्वेशन, केंट ने 12 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इज़ ओरिजिनली कंपाइल्ड फ्रॉम द लेक्चर 35। तो लेक्चर नंबर 35 में ये मेंशनड है। पहला पॉइंट ये याद रखो, क्या है ये, प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ द रेमेडी फ्रॉम द बुक केंट्स लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी। कौन सी बुक से ली गई है ये, केंट्स लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी, ये बुक का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ मेडिसिन। तो ये तुम मेंशन करना कि ये लेक्चर नंबर 35 1, 2, 3 और 5, ठीक है, लेक्चर नंबर 35। चैप्टर का नाम क्या है, प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ द रेमेडी। आफ्टर एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या प्रोग्नोसिस आ रही है, तो 12 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो वही है प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ द रेमेडी। ये चैप्टर का नाम है और बुक का नाम क्या है, केंट्स लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी। यहाँ से ये लिया गया है, केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। द मिशन ऑफ द फिजिशियन डज नॉट स्टॉप विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रेमेडी इटसेल्फ। प्रिस्क्राइब कर दिया तुमने मेडिसिन, यहीं तक तुम्हारा काम नहीं है, प्रोग्नोसिस भी, आउटकम क्या है वो भी तुम्हारा ही काम है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है, मिशन ऑफ द फिजिशियन डज नॉट स्टॉप विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रेमेडी इटसेल्फ, स्पेशली इन क्रॉनिक डिजीज ही हैज़ टू मेक सम ऑब्जर्वेशंस टू नो वेदर द रेमेडी इज ब्रिंगिंग एनी क्यूरेटिव एक्शन और नॉट, हाउ द रेमेडी इज एक्टिंग, व्हाट हैज़ टू बी डन नेक्स्ट। अगर इसने ऐसा एक्ट किया तो हमें आगे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें, प्रोग्नोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केंट ने अपने 12 ऑब्जर्वेशंस में बताया है आगे कैसे क्या करना है, आफ्टर यू हैव प्रिस्क्राइब दी फर्स्ट मेडिसिन, फर्स्ट रेमेडी, जो भी आगे के आउटकम आ रहे हैं उसको आप कैसे, किस तरीके से हैंडल करोगे, ये केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन में बताया गया है, ठीक है। ये बेसिक पता होना चाहिए। सिम्टम्स ऑलवेज गाइड द फिजिशियन इन मेकिंग ऑब्जर्वेशन, आफ्टर एडमिनिस्टरिंग सूटेबल रेमेडी द चेंज ऑफ सिम्टम, द डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम, द एग्रेवेशन ऑफ सिम्टम, एमलरेशन ऑफ सिम्टम्स, दे आर टू बी स्टडीड। After administering a simulum, Kent explained that any one of the following 12 possibilities can be noticed in the patient. जब तुम एक simulum medicine दोगे उस patient को, ठीक है, after administering a simulum medicine, या तो aggravate हो रहा है symptom, या ameliorate हो रहा है symptom, या वो एकदम ही cure हो जा रहा है, ठीक है, पूरी की पूरी cure वाली symptom similarity के हिसाब से वो एकदम cure हो गया, या उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स होती जा रही है, तो टोटल ऐसी 12 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। यही चीज़ यहाँ लिखी है, आफ्टर एडमिनिस्टरिंग अ सिमिलिमम कैंट एक्सप्लेन दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग 12 पॉसिबिलिटीज़ कैन बी नोटिस्ड इन द पेशेंट। तो 12 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आफ्टर एडमिनिस्टरिंग अ सिमिलिमम। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, अ प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। तो प्रोलॉन्ग एग्रावेशन होगा और फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से एग्रावेशन चला और लास्ट में एकदम डिक्लाइन ही हो गया पेशेंट, तो यहाँ पे ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई। आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, अगर लंबे टाइम से एग्रावेशन चला और एकदम फिर लास्ट में फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट हो गया, तो ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, द फिजिशियन हैज़ टू इंटरप्रेट दैट द केस वॉज एन इनक्यूरेबल वन। इनक्यूरेबल केसेस में हमें ये देखने को मिलता है, वी हैव हैंडल्ड अ केस विथ अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस है यहाँ पे, पैथोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन मे हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन दिस केस, वी शुड हैव हैंडल्ड वेयर द रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्सेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, द प्रिस्क्राइब्ड एंटीसोरिक रेमेडी जो तुमने दी थी वो डीप एक्टिंग रेमेडी थी, ठीक है। तो ये ऐसा केस है, कौन सा, इनक्यूरेबल और पैथोलॉजिकली यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रखा है, इनक्यूरेबल केस है, अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस और एंटीसोरिक, डीप एंटीसोरिक रेमेडी प्रिस्क्राइब कर दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रोलॉन्ग एग्रावेशन होता है और फाइनली डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट होता है।
इस स्टेप्स में हम क्या स्टेप्स टू बी टेकन, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। एंटीडोट द रेमेडी इमीडिएटली, द केस इज़ एन इनक्यूरेबल वन सो द प्रोग्नोसिस जो है वो बैड होगी इफ़ नॉट एंटीडोटेड। जब ऐसा केस देखने को मिले जहाँ पे प्रोलॉन्ग एग्रवेशन हो, बढ़ते जाए उसकी कंडीशन वर्स होती जा रही है, तो वहाँ पे एंटीडोट द रेमेडी इमीडिएटली, ठीक है। और केस कैसा है, इनक्यूरेबल है। लेसन क्या सीखे हम यहाँ पे, इनक्यूरेबल एंड डाउटफुल केसेस डू नॉट यूज़ हायर पोटेंसीज, यू डू नॉट यूज़ डीप एक्टिंग और हायर पोटेंसीज यूज़ नहीं करनी है। ऑलवेज स्टार्ट द रेमेडी इन 30 पोटेंसी एंड नेवर अबव 30 एंड 200 से ऊपर पोटेंसीज नहीं देनी है। केसेस विथ ऑर्गेनिक डैमेज और पैथोलॉजिकल एडवांसेस केसेस डीप एक्टिंग क्यूरेटिव रेमेडी शुड नॉट बी गिवन, ठीक है। डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं देनी है इनक्यूरेबल और पैथोलॉजिकल डैमेज वाली केसेस में। ऑलवेज स्टार्ट द ट्रीटमेंट विथ लो पोटेंसी से स्टार्ट करना है, 30 और 200 वाली पोटेंसी देनी है इनको। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रोलॉन्ग एग्रवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट इनक्यूरेबल केस में देते हैं, पैथोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन वाले केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। और डीप एक्टिंग मेडिसिन तुमने दे दी है, डीप एक्टिंग एंटीसोरिक रेमेडी दे दी है, तब ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इमीडिएटली एंटीडोट द